साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने एक 700 वाट का ड्राइवर सर्किट की एसटीडी की थी, यानी जो एम्पलीफायर का ड्राइवर सेक्शन होता है दोस्तों, उसकी एसटीडी की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी की आउटपुट स्टेज आपके लिए ला कर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आउटपुट स्टेज ड्रॉ की गई है। तो एक बार मैं आपके सामने इसे एक्सप्लेन करा देता हूँ और इस वीडियो का अंत करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी आउटपुट स्टेज मैं आपको समझा चुका हूँ और जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको जो ऊपर साइड नज़र आ रही है दोस्तों, ये पॉजिटिव लाइन होगी जो कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मर से डीसी के बाद आती है, यानी बिजली रेक्टिफायर के बाद आती है दोस्तों, ये वही लाइन होगी पॉजिटिव, और नीचे ये माइनस लाइन होगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर यूज की गए दोस्तों, 5200 यूज की गए, और दोस्तों जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर यूज की गए दोस्तों, यहाँ पर 1943 यानी पीएनपी प्लस एनपीएन की आउटपुट स्टेज होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी एमीटर रेजिस्टेशन लगाई गई है दोस्तों, यहाँ पर 0.33 ओम 5 पार्ट की रेजिस्टेशन लगाई गई है। और दोस्तों, रही बात बेस रेजिस्टेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है, तो दोस्तों यही रेजिस्टेशन सारी बेसों पर लगी हुई, यानी 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेशन सभी बेस रेजिस्टेशन होगी, प्लस साइड और माइनस साइड। तो आई होप कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। दोस्तों, ये रहा एक जुबल नेटवर्क जहां पर मैंने एक 10 ओम की रेजिस्टेशन को, ये रेजिस्टेशन 5 वाट की, दोस्तों इसी के सीरीज में एक कैपेसिटर जहां पर 104 का पीएफ बोलते हैं आप जिसे, लेकिन दोस्तों एक्चुअली ये कैपेसिटर ही होता है, लेकिन ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर 100 वोल्ट का ये पीएफ लगाएंगे, जो कि ग्रीन कलर के आपको पीएफ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, वो 100 वोल्ट के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पीकर वाली लाइन पर एक इंडक्टर भी लगा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक 20 गेज वायर का, और दोस्तों 20 टन ही दिए हैं इस इंडक्टर में। और दोस्तों, इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेशन भी लगाई गई है। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्पीकर है वो कनेक्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीकर की जो एफिशिएंसी है, आप यहाँ पर 2 ओम भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यहाँ पर 4 ओम की होगी। यदि आप यहाँ पर 2 ओम की रखते हैं, तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में थोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हीटिंग का अरेंजमेंट करना होगा, यानी थोड़ी हैवी हीटिंग, और आपको यहाँ पर जो फैन वगैरह का अरेंजमेंट करना होगा। तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर 2 ओम का लोड देने के लिए। तो दोस्तों, अक्सर जो एम्पलीफायर आते हैं दोस्तों, उसमें फैन वगैरह का अरेंजमेंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसकी एफिशिएंसी 2 ओम ही रखी है। तो आई होप कि आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं अंत, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।